हेलो बच्चों, तो आज हम पार्ट टू यानी कि जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसके पार्ट टू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे के टॉपिक थोड़े इंटरेस्टिंग आएंगे। तो होप सो आपने एसिड एंड बेस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द थर्ड थिंग, दैट इज सॉल्ट। देखो बच्चों, लास्ट टाइम में मैंने सॉल्ट के बारे में नहीं बताया था क्योंकि मैं चाहता था कि एसिड और बेस के बारे में आप अच्छे से समझ लें। तो एसिड और बेस के अलावा अब हम अगर बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट क्या होता है? जब हम एसिड को रिएक्ट कराएंगे बेस से, ध्यान से सुनिएगा कि एसिड को मैंने क्या किया, बेस से रिएक्ट करवाया। तो बेस से रिएक्ट करवाने के बाद में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। ओके, ध्यान रखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां हमारे को मिलेगा सॉल्ट और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम एसिड को रिएक्ट करेंगे बेस से तो हमारे पास में सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, श्योर है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहां पर सॉल्ट को क्या बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एंड विद सॉल्ट वी गेट अचीव वाटर ऑल्सो। ओके, सो द सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एंड ड्यू टू दैट वी गेट द प्रोडक्ट एज सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस इज द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, व्हाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? बिकॉज एसिड हमारे पास एसिडिक नेचर का था, बेस हमारे पास बेसिक नेचर का था, इन दोनों को रिएक्ट करवाने के बाद हमारा जो बना वो है सॉल्ट, और ये न्यूट्रल होता है, वाटर और सॉल्ट दोनों न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एसिड का पीएच हमारे पास क्या था, पीएच हमारे पास जो एसिड का था वो कैसा था, बिलो 7, ठीक है। बेस का हमारे पास पीएच क्या था, अबव 7, ठीक है। तो बिलो 7 अबव 7 यहां पर क्या होगा, इसका जो हमारे पास में पीएच बनेगा वो होगा 7, आया समझ में? तो इसीलिए इसे न्यूट्रल बोलते हैं क्योंकि हमारे पास पीएच स्केल, अभी आगे मैं बताऊंगा पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल के बेसिस पर आपको समझ में आएगा कि ये हमारे पास न्यूट्रल बन जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये चीज हमारे पास ध्यान रखिएगा। सो अब अगर हम बात करें इसकी के लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ओके, सो दीज आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो ये हुआ हमारे पास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। अब इसके आगे हम और क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे जो अभी इसके बारे में है। जस्ट उससे पहले मैं सॉल्ट के बारे में बता दूंगा कि सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस होता है। इसके जो हमारे पास में पीएच है वो हमारे पास 7 के अप्रोक्स होगा, 7 होगा या 7 के अप्रोक्स, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हमारा जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक या बेसिक नेचर का भी हो जाता है। इसका रीजन क्या है वो मैं अभी बताता हूँ इसके साथ में। मान लीजिए कि आपके पास जो एसिड है वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, यानी हाईली रिएक्टिव जो हमारे पास एसिड या बेस होता है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंसनट्रेट, कॉन्सेंट्रेटिक एसिड है, और इसको मैंने डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस से रिएक्ट करवाया। तो यहां कंसेंट्रेशन हाई किसका है, एसिड का। एक चीज याद रखिएगा, कंसेंट्रेशन मतलब द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द एसिड इज वेरी हाई, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज कंसेंट्रेशन। बेस अगर होगा मेरे पास, कंसेंट्रेट बेस होगा, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सिल आयन है OH-, उसका अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज लार्ज, तो जितना भी हमारे पास OH से रिएक्ट करेगा वो तो हमारे पास क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, यस करेक्ट, वाटर, और इसके अलावा जो बच जाएगा वो होगा सॉल्ट।
तो सॉल्ट में हमारे पास ज्यादा अमाउंट किसका मिलेगा, एच का यानी हाइड्रोजन आयन का, तो इसीलिए हमारा सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक। यस करेक्ट एकदम, तो एसिडिक नेचर का बनेगा। और अगर मैं यहीं पर जो डाइल्यूट एसिड है उसको रिएक्ट कर रहा हूं अगर कंसंट्रेट बेस से, तो वहां पर हमारे पास क्या बनेगा, बेसिक नेचर का सॉल्ट बनेगा। एकदम करेक्ट। तो इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों तरह के हमारे एसिड मतलब जो सॉल्ट है वो मिलते हैं। तो इस चीज को एक बार नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से ताकि हम आगे और देख सकें। तो बच्चों अभी जैसा हमने देखा तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि एसिड अलग है, बेस अलग है, सॉल्ट अलग है। तो इसके बारे में कई साइंटिस्टों ने अलग अलग तरह से डिफाइन किया, जिनमें से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे, जिनमें से एक थे आर्हेनियस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने एसिड और बेस इन दोनों को डिफरेंशिएट किया, जो हम आज भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हम एसिड और बेस को दो तरह से यहाँ पर अज्यूम करते हैं। तो वो ब्रॉन्सेड लॉ मतलब आर्हेनियस ने ही बताया था। आर्हेनियस ने क्या बताया, एसिड्स आर जस्ट रिलीजिंग हाइड्रोजन आयन ऑन द व्हेनेवर इट इज डिजॉल्व इन अ वाटर। सो जब भी हम इसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो इसमें से हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, जबकि बेस जो होगा उसमें हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होगा। याद रखिएगा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ये यहां पर रिलीज होगा। तो इस बेसिस पर इन्होंने बताया आर्हेनियस ने, ठीक है, आर्हेनियस ने ये बताया। साथ ही साथ में ये भी बताया कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, इसका भी कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया। इसी में आपको बुक में भी देखने को मिलेगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या है, वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं। वो हमारे पास जो मैंने अभी वर्ड यूज किया था कंसंट्रेटेड, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, और जहां मैंने यूज किया था डाइल्यूट उसे हम बोलेंगे वीक। ओके, सो डाइल्यूट मींस वीक और कंसंट्रेटेड मींस स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होगा, वीक एसिड में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की अमाउंट कम होगी, वीक बेस में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल अमाउंट की मतलब हाइड्रोक्सिल आयन की अमाउंट कम होगी, ठीक है। तो इस बेसिस पर बना आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी के बाद जो हम आगे देखेंगे वो है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो कंसेप्ट है ये हमारे पास है प्रोटोन के बेसिस पर। क्या है, प्रोटॉन के बेसिस पर इन्होंने प्रोटॉन को सबसे पहले यानी जो इनिशियल लेवल है उसमें प्रोटॉन को सबसे आगे रखा और उसके बारे में बताया। तो प्रोटॉन के बारे में इन्होंने इस तरह से बताया, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, यानी यहां एसिड के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये प्रोटॉन डोनर होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बेस की तो बेस क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो यहां ये एसिड क्या हुआ, प्रोटॉन डोनर हुआ, प्रोटॉन और वो बेस क्या हुआ, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये किसने बताया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था। साथ ही साथ में इसके बाद में हमारे पास आए थे लुइस, इन्होंने अपना जो फॉर्मूला मतलब मेथड दिया वो था लुइस कॉन्सेप्ट। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बताया, किसके बेसिस पर, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। अब आपको याद करने के लिए ट्रिक क्या याद रखनी है, अगर ये प्रोटॉन डोनर है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, और अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ये इलेक्ट्रॉन
डोनर होगा, ठीक है, यानी जो हमारे पास प्रोटॉन डोनर है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ प्रोटॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इस तरह से आपको ट्रिक भी मिल गया जल्दी से याद करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस यही याद रखना, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो ये डोनेट कर रहा है तो नेगेटिव का एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। और अगर यहाँ प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो इलेक्ट्रॉन डोनर, ओके। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो आज यहाँ पर हमारे पास इतना हुआ कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आए। तो ये चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट था जिसमें हमने बताया कि जो हमारा सॉल्ट होता है, सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद में हमने डिस्कस किया डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज जिनमें आरएनएएस थियोरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी थियोरी और लुईस कंसेप्ट जो है हमारे पास बुक में भी दे रखा है, सिलेबस में भी है, और हमें इसमें ध्यान भी रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें से पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए आप इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कीजिएगा, इनको करने के बाद में फिर आपके जो भी डाउट आएंगे वो आप मेरे से कंटिन्यूअसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है, हैव अ गुड डे।